देखिए, ये है वो जगह जहाँ पे इजरायली लोग फेस्टिवल कर रहे थे, जिसे नेगिव डेजर्ट कहते हैं। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर है गाजा इजरायल बैरियर से। ये लोकेशन पहले इस फेस्टिवल की थी ही नहीं, बल्कि ओरिजिनल लोकेशन जो थी वो साउदर्न इजरायल थी। अब ये कोइंसाइड कर रही थी जिविश हॉलीडे से, द फाइनल डे ऑफ स्कोट एंड सिमचेट टोरा से। अब दूसरी बात, जब हमास ने अटैक करके इनोसेंट लोगों को मारा तो आर्मी कहां थी उस टाइम पर? एंड आप देख सकते हैं इन ट्वीट्स को जो इजरायली लोगों के जरिए से आए हैं। एंड इवन इस स्टेटमेंट को आप सुनिए कि क्या लगा था तब। थैंक्स, वी हैव एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स, इट्स लाइक वी आर वेयर नो आर्मी। इजरायल एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है, आप यहां से समझ सकते हैं इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब ये तो नेतन्याहू से ही पूछना पड़ेगा कि मिलिट्री आखिरकार उस टाइम पर कहां थी। यूएसए से मिलने वाली एड ने इजरायली मिलिट्री को बहुत आगे बढ़ाया है, एंड गाजा पर उनका रेस्पॉन्स देखकर आप इनकी मिलिट्री पावर को समझ सकते हैं। अब उन्होंने तब रेस्पॉन्स क्यों नहीं किया क्विकली, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं इस टाइम पर, बट इस मामले को हम थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। लिमिटेड अमाउंट में पहले से ही गाजा में चीजें आती थी, बट इसराइल ने यहां पर एक ब्लॉकेड लगा दिया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी सिविलियंस ने अपनी जान खो दी है, एंड इवन हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट्स को सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब हमास ने जो किया था उसे तो कंडम किया ही जा रहा है, एंड करना भी चाहिए उसको कंडम, क्योंकि मासूम लोगों की जान गई है उस अटैक में। बट इसराइल जो कर रहा है सिविलियंस को मारकर, वो भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स ने कहा है कि इसराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड एलो करनी चाहिए गाजा में, एंड हमास को हॉस्टेजेस को रिलीज करना चाहिए। अब इसराइल के इस आतंकवाद से बचने के लिए आप देखिए कि गाजा के लोग जो है उनके पास सिर्फ एक चॉइस बची है। आप इस मैप को देखिए, एक साइड से पानी है, दो साइड से इसराइल देश है, और सिर्फ एक ही साइड से गाजा के लोग जो है वो निकल सकते हैं यहाँ पर, जिसे कहते हैं रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, जिसको क्रॉस करके यहाँ के लोग जो है वो सीधे इजिप्ट में पहुंच जाएंगे। लेकिन इजिप्ट इस बॉर्डर को खोलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इजिप्ट और बाकी अरब देशों का ये मानना है कि पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज इनके देश में रहने लगे, ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि पैलेस्टीनियंस का अपना देश है और उनको अपने देश से निकाला नहीं जा सकता है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। ऑलमोस्ट 1947 में ग्रीन वाला पोर्शन पैलेस्टीनियंस का था और व्हाइट वाला पोर्शन इजरायलीज का था, एंड फिर पार्टीशन के बाद इतना पोर्शन इजरायल के पास आया एंड इतना पोर्शन पैलेस्टीनियंस के पास आया था। तो इजरायल स्टेट तो पैदा हो जाती है, बट पैलेस्टीनियंस के पास कोई भी मिलिट्री नहीं थी, तो वो रिटेलिएट नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद फिर अरब कंट्रीज इजरायल पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, एंड ऑलमोस्ट एक साल तक जंग चलती है, एंड इजरायल फाइनली इस वॉर को जीत लेता है। यूएन ने जो पार्टीशन किया था उससे ज्यादा एरिया इजरायल ले लेता है, एंड वेस्ट बैंक जो पर्पल कलर में है वो जॉर्डन के पास आ जाता है, एंड ब्राउन वाला पोर्शन गाजा इजिप्ट के पास आ जाता है। अब पैलेस्टीनियन देश तो कंप्लीटली यहां पर खत्म हो चुका था, एंड 7 लाख से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस रिफ्यूजी बन जाते हैं, एंड यहां पर किसी भी मुस्लिम कंट्री ने इनको अपना सिटीजन्स नहीं बनाया, यहां तक कि कोई ऑफर भी नहीं दिया गया इनको अपना सिटीजन्स बनाने के लिए। 1967 में जब अरब कंट्रीज इसराइल पर अटैक कर देती है फिर से, 5th जून 1967 में स्टार्ट हो जाती है ये वॉर, एंड 10th जून ऑफ 1967 को खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको 6-डे वॉर कहा जाता है। इसमें इजराइल इन 3 कंट्रीज को हरा देता है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया। इस वॉर में इजराइल इजिप्ट से गाजा पट्टी ले लेता है, जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लेता है, सीरिया से गोलन हाइट्स ले लेता है, एंड जेरूसलम को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब इसराइल तो यहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल ले लेता है, लेकिन इसमें उसे 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस भी साथ में मिलते हैं, क्योंकि देश तो पूरा उनका हो चुका था, लेकिन 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस भी तो वहां पर प्रेजेंट थे। अब यहां पे भी इसराइल देखेगी कैसे इलीगल एक्टिविटीज करके वेस्ट बैंक और गाजा में मिलिट्री घुसा देता है, एंड इवन यूएन ने भी बोला था उस टाइम पर इसराइल जो कर रहा है यहां पर ज्यूज को सेटल करके वो इलीगल है। देखिए, ये भी मानना पड़ेगा कि जब हिटलर का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था, वो ज्यूज को बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन तरीके से ट्रीट कर रहा था, तो इनके पास भी कोई भी चॉइस नहीं थी पैलेस्टीनियन देश में माइग्रेट करने के अलावा। बट उसके बाद आप देख सकते हैं कि उन्हीं पैलेस्टीनियंस को ये कैसे ट्रीट करते हैं। अब 17 अक्टूबर के इस अटैक के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि कैसे इसराइल ने एल अरब हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया एंड उस पर रॉकेट फेंक दिया, जिसमें ऑलमोस्ट 500 के आसपास
पैलेस्टीनियंस अपनी जान खो बैठते हैं। एंड अनन्या नफ्ताली इजरायली प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल स्पोक्स पर्सन ने ये ट्वीट करके बताया कि कैसे इजरायल ने सक्सेसफुली यहां पर इस हॉस्पिटल को बॉम्ब किया है। एंड अफसोस की बात है कि कैसे हमास आज टनल्स बनाकर और हॉस्पिटल को एज अ कवर बनाकर इस्तेमाल करता है। बट जैसे ही इस हरकत की वजह से एक एंटी इजराइल वेव देखने को मिली तो इस ट्वीट को डिलीट किया गया एंड ये सारा ब्लेम हमास पर डाल दिया गया। एंड ऑलमोस्ट आपने वो फर्जी रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें हमास की रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही है जिसमें वो कहते हैं कि रॉकेट मिसफायर कर गया है। वीडियो भी जिस पर ये दिखाया जा रहा है कि हमास का ही रॉकेट मिसफायर कर गया है। एंड जरा आप इस घटिया स्टेटमेंट को सुनिए। Israel does not target places like hospitals. They're not a target for us. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरा सच नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इजराइल जो है वो ये कहता है कि ये अटैक उनकी तरफ से हुआ ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बता सकते हैं कि ये अटैक इजराइल ही किया है। अब अगर आप रिसेंट इजराइल की हिस्ट्री पर चले जाएंगे, वो टारगेट करते थे हेल्थ फैसिलिटीज को ही। देखिए 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, यानी कि कुछ दिन पहले ही अहले अरब हॉस्पिटल के अटैक से यूएनएस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स एंड रिलीफ वेब ने रिकॉर्ड किए हैं 21 इजरायली अटैक्स जो कि टारगेट करते थे पैलेस्टीनियन हेल्थ पर्सनल, जिसमें सिविलियंस और यूएन स्टाफ की भी हत्या की गई है। एंड यूएनएस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नीड ने कंफर्म किया है 136 अटैक्स हेल्थ केयर वर्कर्स पर गाजा में बिटवीन 7 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। अब उस पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा या देखा भी होगा, लेकिन आपने फिर ये नोटिस किया कि इस पोस्ट को लास्ट में एडिट किया गया एंड वीडियोस को डिलीट किया गया और जो टाइम स्टैम्प था वो अटैक के टाइम के साथ मैच नहीं होता था। इजराइल के अंदर एक नितिन्याहू मस्ट रिजाइन मूवमेंट चल रही है। 56% इजराइल बिलीव करते हैं कि नितिन्याहू को रिजाइन करना पड़ेगा जब ये कंफ्लिक्ट एंड हो जाएगा। एंड नितिन्याहू को ही यहां पर रेस्पॉन्स देना पड़ेगा कि क्यों इजराइल हमास के इस अटैक से नहीं बच पाए। अगर इजराइल में इनोसेंट लोग मर गए हैं तो क्या गाजा में भी इनोसेंट लोगों को मारना ही इसका सोल्यूशन था? 4 out of 5 ज्यूविश इजराइल ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट और पीएम को ही ब्लेम करना है इस अटैक के लिए। एंड ये बात आपको जाननी है कि नितिन्याहू पर बहुत सारी एलिगेशंस लगे हुए थे इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले, जैसे कि रिश्वत लेने के इल्जाम लगे हुए थे, मीडिया को पैसे खिलाने का इल्जाम लगा था इन पर, एंड इवन हमास को भी फंड किया था नितिन्याहू ने पीएलओ को कमजोर करने के लिए, यानी कि वो अपने करियर को अब लंगड़ा लंगड़ा कर ही चला रहे थे। एंड अगर आपको इनके करियर में हम थोड़ा सा ले जाएंगे तो आपको सीधे लगेगा कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में अगर पीस होता तो नितिन्याहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसकी एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जब पैलेस्टीनियंस और इजराइल थोड़े से आपस में नजदीक आ गए थे पीस ट्रीटी से, जिसके बारे में आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे यासिर अराफात एंड यिसक रैबिन ने पीस ट्रीटी की थी इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में। लेकिन इस ट्रीटी को इजराइलीज और पैलेस्टीनियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था, एंड इसी पर इजराइल में वहां पर एक रैली निकली थी डेथ टू रैबिन, जिसमें नितिन्याहू भी मौजूद थे। एंड 2009 में आप देख सकते हैं कि नितिन्याहू ने कहा था कि एक पैलेस्टीनियन देश बनना चाहिए, बट आप देख सकते हैं कि उनकी कंडीशंस क्या क्या थी। पैलेस्टीनियन के पास कोई भी आर्मी नहीं होगी, उनके पास कोई भी एयर स्पेस नहीं होगा और जेरूसलम इजराइल के हाथ में ही जाना चाहिए। जिन पैलेस्टीनियंस को बाहर निकाला गया है वो वापस नहीं आ सकते हैं, ऐसा प्रपोजल रखा गया, जो नितिन्याहू को पता था कि कोई भी पैलेस्टीनियन इस प्रपोजल को तो एक्सेप्ट करने वाला है ही नहीं। अब सीधी सी बात है कि इन प्रपोजल्स को देखकर कोई भी पैलेस्टीनियन इसको एक्सेप्ट करने वाला होगा ही नहीं, एंड ये बात तो आई थिंक नितिन्याहू को भी अच्छे से पता थी। एंड आप नितिन्याहू की इस स्टेटमेंट को जरा सुनिए। हिटलर डिडंट वांट टू एक्सटर्मिनेट द ज्यूज एट द टाइम, ही वांटेड टू एक्सपेल द ज्यूज। And Khaja Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. यहां पर वो कहते हैं कि हिटलर जो था वो ज्यूज को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उनको जर्मनी से बाहर फेंकना चाहता था। गलती असल में उस टाइम के जेरूसलम के ग्रैंड मुफ्ती हाजी अमीन अल हुसैनी की थी, जिसने हिटलर को कहा था कि इन्हें मार डालो। अब सीधी सी बात है, इस स्टेटमेंट की कोई भी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसको कोई एक्सेप्ट कर रहा है। इवन इजराइलीज भी इस स्टेटमेंट के खिलाफ है, एंड उसने एनकरेज किया था डिवीजन बिटवीन हमास एंड वेस्ट बैंक, ताकि ये श्योर किया जाए कि कोई भी पीस एग्रीमेंट नहीं बने इन दो देशों के बीच। अब आपको तो ये पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया पर राज किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाकर, वैसे ही इसराइल ने हमास और पीएलओ के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई एंड हमास को इसराइल से सपोर्ट मिला, जिस पर ये फिर
यासिर अराफात ने भी कहा कि हमास इज द क्रिएशन ऑफ इसराइल, एंड इसमें इसराइल कामयाब तो हो गया क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमास और पीएलओ के बीच में भी आपस में कोऑपरेशन फिर नहीं रही। इनकी पॉलिटिकल पार्टी के एक पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दिया था, ट्रीट द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एज अ बर्डन एंड हमास एज एन एसेट, क्योंकि अगर हमास और पीएलओ अगर मिल गए एंड पीस प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो नेतन्याहू का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज उसके पास रीजन है काउंटर का। अगर पीस प्रोटेस्टर्स हो जाते तो रीजन कोई भी नहीं था यहां पर काउंटर करने का, एंड मे बी पैलेस्टीनियन देश बन जाता। जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि आर्मी का जल्द से जल्द रिस्पॉन्स नहीं करना, इस फेस्टिवल की लोकेशन चेंज होना, क्या इसमें नेतन्याहू की कोई पॉलिटिक्स छुपी हुई है, ये तो हम पूरी तरीके से नहीं बता सकते हैं, इसका जो फैसला है आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया का लॉन्ग स्टैंड यानी कि इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन के हक में यहां पर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।